Now in this example, we are creating simply integer types of variables x, variable y, variable z. All are integer types of variables. In 16-bit C compiler, integer will take 2 bytes. 2 bytes ke according integer ka minimum range kya hai? -32768 2. Maximum range is +32767. In that one is the minimum or maximum range for integer types. But here in first case we are assigning 32767 range ke andar isliye 32767 successfully assign karna possible. But what about 32768 or 32769? In that case, here we are providing with respect to binary conversion tables. इस टेबल के हेल्प से लेंथी नंबर्स के बाइनरी नंबर्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल, अगर 10 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना, तो इस केस में टेबल के हेल्प से किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे? 10 का नियरेस्ट फाइंड आउट नंबर क्या है? नियरेस्ट लोएस्ट नंबर. 10 का नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर क्या है? 8. देयरफॉर वी आर राइटिंग हियर 8. 8 के केस में क्या राइट करेंगे? समथिंग 1. सेम एज 8 का ऑलरेडी 1 राइट कर चुके थे. रिमेनिंग केस क्या बचता है? 10 माइनस 8 इज 2. अब 2 का नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे. नियरेस्ट नंबर के नियरेस्ट लोएस्ट इक्वल 2 आल्सो. तो 2 के केसेस में डायरेक्टली 2 के केस में क्या राइट करेंगे? लाइक अ 1. देन 2 माइनस 2 इज कंप्लीटली 0. मींस जैसे ही 0 आया इसका मतलब बाइनरी नंबर अवेलेबल. रिमेनिंग प्लेसेस पर असाइन करा लेंगे 0. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 10. मींस टेबल के हेल्प से डायरेक्टली किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर एरिया शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेट करना पॉसिबल विदाउट डिवाइड बाय टू रूल्स. इन दैट केस वी आर डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल्स. जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ऑल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इनसाइड स्टैक. लेकिन इस केस में विदाउट स्टैक डायरेक्टली रिप्रेजेंट करा जाएगा, क्योंकि अगर स्टैक में रिप्रेजेंट करूँ आपको कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, इसलिए डायरेक्टली ब्लॉक्स के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे. जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर हो, देन मेमोरी किसके लिए एलोकेट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई. इस केस में कोई भी स्टैक डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं हुआ और स्टैक से प्रोग्राम अफेक्ट भी नहीं हुआ. इन दैट केस फर्स्ट वन इसे ऑल थ्री वेरिएबल्स क्रिएट होंगे. इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे? तीनों केसेस में सम गार्बेज वैल्यू. फर्स्ट केस में जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट आसान हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आसान क्या कराया? एक्स इक्वल्स टू 32767. ऑलरेडी आपको था प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था ड्यूरिंग एग्जाम्पल्स, जब भी डेसिमल नंबर किसी वेरिएबल में असाइन कराएंगे तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में टोटली ये नंबर असाइन किस फॉर्म होगा? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स. एक्स का टाइप इंटीजर है और एक्स के पास है, एक्स के लिए टोटल बिट्स कितने एलोकेट हुए हैं? देयर आर 16 बिट्स और वी कैन से 2 बाइट्स. टोटल बाइट्स कितने हैं? 2 बाइट्स. दिस इज द फर्स्ट बाइट, दिस इज द सेकेंड बाइट्स. सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ? 32767 का बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर आप 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, टेबल के हेल्प से निकालना पॉसिबल है. मीन्स 32767 अगर 32768 रिक्वायर्ड होता, देन बाइनरी क्या था? बस दैट वन इज 1, रिमेनिंग टाइम्स इज 0. सेम है इसका जस्ट लोएस्ट इंटीजर है, इसके इसमें ऑल बिट्स फिल करेंगे एज अ 1. दिस इज द इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर ऑफ 32767. इस 32767 के केस में बाइनरी नंबर क्या आएगा? 15 टाइम्स 1, देन रिमेनिंग बिट्स आसान करा लेंगे 0. क्यों? टोटल बिट्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 16 बिट्स. 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4. दिस द बाइनरी नंबर ऑफ 32767. देन आसान की स्पेस पर होगा इनसाइड एक्स. तो एक्स केस में राइट टू लेफ्ट आसान करेंगे. फर्स्ट 1 4 टाइम्स 1, नेक्स्ट 1 अगेन 4 टाइम्स 1, नेक्स्ट 1 4 टाइम्स 1, नेक्स्ट 1. फर्स्ट बिट इज 0, रिमेनिंग टाइम्स इज 1. चेक करें इस केस में 32767 के केस में एक्स का साइन बिट क्या आसान हुआ? 0. इसका मतलब नंबर के साथ विद इन अ रेंज. मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में सिंपली क्या डिस्प्ले जाए, इसका डेसिमल नंबर भी निकालो, डेसिमल भी क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 32767. मीन्स इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑल्सो 32767. इस प्रॉब्लम किस केस में क्रिएट हुआ? वाई और जेड. वो एक्स के केस में कोई भी प्रॉब्लम रेज नहीं हुआ, बिकॉज एक्स इज ऑलरेडी विद इन अ रेंज ऑफ इंटीजर नंबर्स और इंटीजर डेटा टाइप्स. नेक्स्ट में वाई के रिस्पेक्ट में असाइनमेंट परफॉर्म करें. वाई के केसेस में क्या असाइन करा है? 32768.
32768 डायरेक्टली टेबल का पार्ट, इसलिए 32768 का इस प्लेस का बिट क्या पुट करोगे, 1, रिमेनिंग टाइम 0, क्योंकि रिमेनिंग कोई भी नंबर पुट करने की नीड ही नहीं है। रिमेनिंग टाइम्स कितनी बार 0 आएगा, 15 टाइम्स 0। देन अगेन इस नंबर को असाइन कराएंगे इनसाइड लोकेशन वाई, लोकेशन वाई में क्या असाइन कराएंगे, फर्स्ट वन 4 टाइम्स 0, नेक्स्ट वन अगेन 4 टाइम्स 0, नेक्स्ट वन 4 टाइम्स 0, नेक्स्ट वन 1000। मीन्स एक्स के केस में साइन बिट 10 था, इसलिए नंबर कैसा है, लॉजिकली पॉजिटिव, इसलिए सेम रिप्रेजेंट इसमें आइट किया। लेकिन वाई के केस में सारे के सारे बिट्स तो फिल हो गए, लेकिन बिट्स के केस में साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है, साइन बिट इज 1। मीन्स नंबर कैसा है, निगेटिव और पॉजिटिव, वन थिंग क्लियर, नंबर इज निगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर 32767 से बड़ा नंबर स्टोर कराना पॉसिबल ही नहीं, लेकिन असाइन क्या करा है 32768। देन अब चेक करें इसका कन्वर्टेड वैल्यू क्या हुआ, ऑलरेडी डिस्कस किया है। मीन्स अगर कोई नेगेटिव नंबर है, मीन्स इसके इसमें साइन बिट वन है, अगर साइन बिट वन है तो उसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर टू कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर टू कॉम्प्लीमेंट प्रीवियस वीडियो जो प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, तो किसी भी नंबर का फर्स्ट बिट वन है और रिमेनिंग टाइम्स ऑल टाइम्स जीरो है, इसका टू कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, एग्जैक्टली सेम नंबर, सेम नंबर में से डेसिमल किसका है 32768 का, लेकिन साइन बिट वन है, इसलिए अप्लाई क्या करूँ माइनस साइन, फाइनली इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या -32768। चेक कर दें क्यों है, मीन्स वो साइन बिट वन है तो रिक्वायर्ड क्या है, टू कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग 0 1 1 1 1 1 1 1 ऐड कराएंगे, जो 1 1 ऐड कराने मतलब क्या है, रिमेनिंग टाइम्स पुट एट 0। इस केस में ऑलरेडी सर बाइनरी किसका था 32767 का, 32767 प्लस 1 क्या हुआ 32768, मीन्स 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी 1 ऑल टाइम्स 0। लास्ट केस में जैसे कैरी बनाएगा 0 प्लस 1 क्या हुआ 1, मीन्स इस केस में क्या बना है, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर किसी भी नंबर का फर्स्ट बिट वन है रिमेनिंग बिट 0 है, देन इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेम एज ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनली देखा जाए तो डेसिमल इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है 32768, लेकिन डेसिमल टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद आया, इसलिए साइन क्या अप्लाई हुआ माइनस, इसलिए इस केस में इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है -32768। नेक्स्ट वन व्हाट अबाउट 32769, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 32769, 32769 इज इट इज इक्विवेलेंट टू 32768 प्लस 1, मीन 32768 के प्लेस पर क्या राइट करेंगे 1, और 1 का भी क्या राइट करेंगे ऑल्सो 1, रिमेनिंग टाइम्स एज 0। इज द बाइनरी नंबर ऑफ 32768, मीन्स इस टेबल के हेल्प से किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल विदाउट डिवाइड बाई टू रूल्स। नेक्स्ट वन सेम बाइनरी नंबर कॉपी किस में हुआ, इनसाइड वेरिएबल जेड, जेड के केस में साइन किया हुआ 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0, 0 0 0 0 0 0, लास्ट वन इज 1 देयरफॉर 1। देन जेड के केस में जो इसका डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में साइन बिट क्या हो रहा है 1, प्रीवियस केस में वाई में असाइन क्या कराया था पॉजिटिव नंबर 32768, लेकिन जब इसका डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट करें तो डेसिमल वैल्यू क्या हुआ इक्विवेलेंट -32768 बिकॉज ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन साइन बिट एज 1। सेम है जेड के रिस्पेक्ट में चेक करें तो जेड के रिस्पेक्ट में साइन बिट 1 है, अगर जेड का डेसिमल वैल्यू चेक हुआ तो डेसिमल वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, रिक्वायर्ड क्या हुआ सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 1 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 0 प्लस इस केस में ऐड क्या कराएंगे ऐड एज 1, टूज कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में ऐड क्या हुआ 1,
What is the addition of given number? Addition क्या है? 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1, 1, 1 means 15 times 1. Last one की केस में क्या है? 0 means इसका equivalent decimal already just आपने देखा था. 32767 का binary क्या था? Same. Same है इसका decimal क्या है? It is equivalent to 32767. लेकिन ये डायरेक्टली आया 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद, आफ्टर 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद ऐड किया, इसलिए साइन क्या आएगा? माइनस. इसे इक्विवेलेंट किसके है? माइनस 32767, लाइक दैट. मींस इन दैट केस, इस केस में फाइनल ट्रिक है, इस केस में आउटपुट क्या आएगा? जैसे प्रिंट टैब के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग प्रिंट टैब. फर्स्ट वन प्रिंट टैब वैल्यू ऑफ एक्स, x में एग्जैक्टली क्या स्टोर हुआ है? इक्विवेलेंट टू 32767, इसलिए डिस्प्ले क्या हो? 32767. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है? माइनस 32768. y के रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्ले? माइनस 32768. नेक्स्ट वन z, z के रिस्पेक्ट में क्या शो हो रहा है? बाइनरी नंबर है माइनस 32767, माइनस 32767. इस केस में फाइनली ट्रिक क्या निकलता है इससे? मीन्स इंटीजर के लिए रेंज क्या था? माइनस 32768 टू प्लस 32767, रेंज मीन्स लाइक दैट. मिनिमम अलाउड वैल्यू क्या? माइनस 32768. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? समथिंग माइनस 32767. नेक्स्ट वन माइनस 32766 एंड सो ऑन अप टू समथिंग माइनस 2, माइनस 1, 0. 0 के जस्ट बाद 1, 2, 3 अप टू प्लस 32767 और समथिंग प्लस 32766 और 32767. Like that. इन प्रीवियस केस में, नेक्स्ट केस में, वाई के केस में क्या साइन कराया था? 32768. जैसे ही स्पेस पर 32768 लागू हुए, 32768 क्या है? 32767 प्लस 1 मीन्स इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वैल्यू, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू मीन्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. इस केस में रोटेट होने के जस्ट बाद 32767 का बाइनरी क्या है? जब 32768 साइन करा देना, उसके इसमें क्या होना था? माइनस 32768 मीन्स बिगिनिंग वैल्यू. सिमिलरली इसके जस्ट बाद वाला नेक्स्ट वैल्यू साइन कराएंगे लाइक 32769. 32769 के केस में केस क्या होगा? बिगिनिंग लाइक दैट मीन्स माइनस 32767. सिमिलरली सपोज दैट अगर इस प्लेस पर साइन किया होता लाइक, अगर 32769 के जस्ट बाद नेक्स्ट वैल्यू साइन करेंगे लाइक 32770, इस केस में नेक्स्ट कमिंग वैल्यू क्या होगा? दैट वन मींस माइनस 32766. मींस इस टाइप से रोटेशन होना स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ जस्ट रेंज. इस अगर वैल्यू रेंज में नहीं दिया, रेंज में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. आपको कन्वेंशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रीवियस रूल से डायरेक्टली साइन करना पॉसिबल है.